यंगस्टर्स का सबसे फेवरेट शो रिमिक्स फिर से एयर हो रहा है चैनल वी पर। तो चलिए करण वाही के साथ उनके रिमिक्स के दिनों की कुछ बातें याद करते हैं। देखिए इट्स पता है वो बहुत ही आई थिंक बहुत ही मिक्स्ड इमोशंस हैं उसके लिए। मैंने उस दिन देखा रिमिक्स एंड पहली बात तो एक्चुअली विश्वास नहीं होता। इट्स बीन 9 ईयर्स। मुझे 30 जून को 9 साल हो जाएंगे बॉम्बे में। मुझे रिमिक्स 18 जून को मैंने ऑडिशन दिया था 2004 और मुझे 30 जून को ये शो मिल गया था। तो इट्स बीन 9 ईयर्स और मेरे को ऐसे लगता है कि मैं कल की बात है। तो मैंने रिमिक्स की वजह से थोड़े बाल भी छोटे करा लिए। मैंने कहा चलो रिमिक्स में चले जाते हैं, लोगों को लगेगा शो भी है, ये ऑन ईयर शो टाइप है, थोड़े इससे भी छोटे करा लिए तो भी बढ़ गए। लेकिन आई थिंक इट्स इनक्रेडिबल। आप देख लीजिए 9 साल बाद वापस शो आ गया एंड पूरा शो दिखा रहे हैं फ्रॉम द फर्स्ट एपिसोड। है ना, मेरे को जो बोला गया, जो मुझे पता चला कि दिल शो द इंटायर सीजन। सो आई थिंक इट्स एन अचीवमेंट इन इटसेल्फ कि 9 साल बाद कोई शो वापस आता है और उस शो की रेज जो 9 साल पहले थी उससे डबल हो गई है। क्योंकि आई थिंक इट्स अ वेरी स्पेशल थिंग फॉर जितने भी लोग उस टाइम 12 साल से 20-21 साल के बीच में थे, फॉर देम टू रीलिव रीमिक्स फॉर देम। क्योंकि आज शायद जब मैं भी देखता हूँ तो मुझे कभी कभी कई चीज़ें ऐसी लगती रही मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन बिकॉज इट्स समथिंग दैट आई हैव लव्ड एंड बिकॉज इट्स समथिंग जो मेरा फेवरेट शो था या मेरा टीनेज फेवरेट शो था या मेरे दोस्तों का टीनेज फेवरेट शो था, आई थिंक दैट लव इज़ ऑलवेज गोना बी देयर। मुझे इतने सारे मैसेजेस आए हैं मेरे उन फैंस के जो शायद अब टेलीविजन नहीं देखते हैं या शायद जिन्होंने मेरा कोई और शो देखा ही नहीं है। एंड इट्स अ बून फॉर द न्यू जेनरेशन जो अब 12-13-15 साल 20 साल या 16-17 साल के हैं टू बी अ पार्ट ऑफ दैट रिमिक्स ब्रिगेड एंड टू लिव वॉट देयर सीनियर्स लिव्ड 8-9 ईयर्स बैक। आई थिंक इट्स द मोस्ट ब्यूटिफुल फीलिंग। ज़िंदगी का पहला काम कौन नहीं चेरिश करता। ज़िंदगी का आप आज जो हैं आपकी पहचान वही है। आप मैं आज जितना भी बड़ा बन गया हूँ या जितना भी फेमस हूँ उसमें ऑब्वियसली हर शो जो या जो हर चीज़ जो मैंने की है उसका बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन वो जो पहली चीज़ होती है वो पहली चीज़ ही होती है। आई थिंक दैट्स द मोस्ट स्पेशल थिंग। बहुत मिस करते हैं राज, प्रिया, श्वेता, बहुत टाइम हो गया है सबसे मिले हुए, बात करते हैं हम ऑल, यू नो, एंड इट्स जस्ट सो वी आर रीलिविंग रीमिक्स एंड वी आर ऑल रीलिविंग रीमिक्स ऑन ऑल द नेटवर्किंग साइट्स पॉसिबल, सो इट्स फन। करण, रिमिक्स का अगर सीजन 2 बनाया जाए तो कौन हो सकते हैं शो के 4 लीड्स? मैं हम चारों को ही करूंगा यार। आई ऑनेस्टली बिलीव इन वन थिंग। कई कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं कि आप कितना भी कर लोगे ना, अगर आप उनको बदलोगे ना तो जिंदगी में दुनिया एक्सेप्ट नहीं करेगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने दिल मिल गए किया, दिल मिल गए में हमने बहुत काम किया। अगर मैं डॉक्टर सिद्धांत की जगह डॉक्टर अरमान होता तो ज़िंदगी में कभी उतना प्यार नहीं मिलता। सो आई थिंक हर एक शो का एक कैरेक्टर ऐसा होता है, या कई शोज़ यू नो हर 3-4 साल 5 साल बाद ना कई ऐसे शोज़ आते हैं जो एक छाप छोड़ जाते हैं। अब आप ज़िंदगी में अगर आप कभी बोलो कि जस्सी वैसी कोई नहीं फिर से आए और मोना सिंह जस्सी ना हो तो आप सोच ही नहीं सकते वो शो। सो आई थिंक फॉर मी इट्स नॉट जस्ट अबाउट द 4 ऑफ अस, इट्स अबाउट द 12 ऑफ अस। जो हम 12 लोग थे स्टार्टिंग में, 12-13 लोग जो हम थे, आई थिंक हमारे बिना या एक के बिना भी रीमिक्स अधूरा है। एंड आई थिंक दैट्स वाई इट्स सो स्पेशल एंड दैट्स वाई पीपल स्टिल लव यू नो द इंटायर थॉट ऑफ रीमिक्स कमिंग। रिमिक्स आज भी लोगों के दिलों में राज करता है। अगर इस शो का सीजन 2 मिल जाए तो बस मजा आ जाए। कैमरामैन संजय के साथ अक्षय अगवानी, टेली बाइट्स, मुंबई।